हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने चैनल 555 शक्ति में स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं हूँ आपकी सोल सिस्टर रत्ना मौर्या। जितने भी मेरे सोल ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैं जिन्हें भी ये ट्विन जर्नी मिली है, उन सबको मैं बधाई देना चाहती हूँ। क्योंकि फ्रेंड्स, आज एक बार फिर से मुझे ये एहसास हुआ कि ये ट्विन जर्नी बहुत ही खूबसूरत जर्नी है। इसमें कितना भी पेन मिले, डजंट मैटर, ये पेन कुछ नहीं होता है लास्ट में मिलने वाले एंजल्स के ब्लेसिंग्स के सामने। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही प्यारा वीडियो लेकर आई हूँ। एंजल नंबर 369 and 963, एंजल नंबर के बारे में, जो कि एक बहुत ही ब्लेस्ड नंबर है। एक्चुअली 3 और 6 and 9 जो नंबर का कॉम्बिनेशन है, इस कॉम्बिनेशन का आप कोई भी नंबर देखते हैं, चाहे वो 639 हो या 963 हो या 396 हो, इस तरह का कोई भी नंबर, वो पावरफुल नंबर ही होता है। लेकिन 369 नंबर और 963 नंबर, ये जिस पैटर्न में सेट है, पहले 3 फिर 6 फिर 9, इसकी वजह से ये नंबर और भी ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। तो फ्रेंड्स, इसके बारे में आज मैं आपको जानकारी देने वाली हूँ। मुझे काफ़ी समय से 369 नंबर दिख रहा है कॉन्टिन्यूसली, लेकिन मैं इसे इग्नोर करी जा रही थी। मैंने तो जान लिया था कि इसका क्या मतलब है और मैं अपनी लाइफ में इसे यूज़ भी कर रही थी, लेकिन मैं इस पर वीडियो नहीं बना रही थी। लेकिन फ्रेंड्स, 2 दिन पहले मुझे फिर से मेरे दिमाग में ये पॉपअप हुआ कि मुझे इस पर वीडियो बनाना चाहिए। और जैसे ही मैंने ऐसा सोचा, मेरे सामने एक साईं जी का मैसेज आया। इस पर लाइक्स थे 963 और उस पर मैसेज भी बहुत कमाल का था फ्रेंड्स, कि जो हम सोचते हैं वैसा ही हमारे साथ होता है। ये मैसेज मैं आपके साथ शेयर भी कर दे रही हूँ। ये मेरे फ़ोन का स्क्रीनशॉट है फ्रेंड्स, देख लीजिए, मैंने इसको शेयर कर दिया, जिसमें साईं बाबा के थ्रू मुझे ये मैसेज चैनल हुआ। साईं बाबा ही मेरे गार्जियन एंजल हैं, जो कि मुझे हमेशा गाइड करते हैं फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, अब आइए एंजल नंबर 369 पर। फ्रेंड्स, ये नंबर आपको उस वक्त दिखाई देता है जब आप यूनिवर्स से डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं। अगर आप ट्विन जर्नी में हैं तो स्वाभाविक है अभी तक आपने बहुत कुछ खोया होगा, बहुत सारे पेन फेस किए होंगे। ट्विन फ्लेम्स की लाइफ में इतने स्ट्रगल्स होते हैं जिसकी वजह से सिर्फ बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनसे उन्हें वंचित रखा जाता है, सक्सेस, मनी, ट्रू लव। लेकिन फ्रेंड्स, काफ़ी इनर वर्क कर लेने के बाद आप एक ऐसे बैलेंस के स्टेट में पहुंचते हैं, एक ऐसे हाई वाइब्रेशन के स्टेट में पहुंचते हैं, जहां आपके लिए ये सारे रास्ते खुलने लगते हैं। और आप ये नोटिस भी कर सकते हैं कि यदि आपको 369 and 963 नंबर बहुत ज़्यादा दिख रहा है, तो ये तभी दिखाई देता है जब आप बहुत ही हाई वाइब्रेशन और बैलेंस की स्टेट में आ चुके होते हैं। क्योंकि ये नंबर इस वक्त इसीलिए दिखाई दे रहा है कि ये बताता है कि अब यही वक्त है जब आप अपनी ज़िंदगी में जो चाहते हैं वो आपको मिल सकता है। सक्सेस, पैसा, ट्रू लव, घर, गाड़ी, जॉब, स्टेबिलिटी, आपका ट्विन, आपका ट्रू लव, आपको जो कुछ भी चाहिए इस वक्त आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं। अगर आप मैनिफेस्ट नहीं भी करते हैं तो इस वक्त जब आपको ये नंबर दिखाई दे रहा होता है, ऑटोमेटिकली आपके साथ वो चीज़ें होने लगती हैं जो आप सोचते हैं, यानी जो आप डीपली सोचते हैं, डीपली चाहते हैं, वो चीज़ें ऑटोमेटिकली मैनिफेस्ट होने लगती हैं आपकी लाइफ में। जब एंजल नंबर 369 and 963 नंबर आपको दिखता है, तब आप ये समझें कि एंजल आपसे खुद ये कहना चाह रहे हैं कि आप अब अच्छा सोचें, आपको जो चाहिए उसके बारे में सोचें, जो भी आपके सपने हैं, जो भी आपके लाइफ में आप चाहते हैं, वो सब कुछ अब आप मैनिफेस्ट करने के लायक हो गए हैं। आप इस लायक हो गए हैं कि आपको अब ये सारी चीज़ें यूनिवर्स की तरफ से दे दी जाएंगी। इसलिए आपको वही थिंक करना है, वही सोचना है जो पॉजिटिव हो या जो आप चाहते हैं। निगेटिव इस वक्त बिल्कुल भी नहीं सोचना है फ्रेंड्स। आपको अपने थॉट्स प्रोसेस को पॉजिटिव रखना चाहिए, वही थिंक करना चाहिए जो आप चाहते हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपके ट्विन से आपका रीयूनियन हो जाए, या आप ये चाह सकते हैं कि आपको कोई अच्छी सी जॉब मिल जाए ताकि आप स्टेबल हो जाएं, ताकि आप फाइनेंशियली स्टेबल हो जाएं, या आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है जो काफ़ी समय से आप ठीक नहीं कर पा रहे हैं इस मैनिफेस्टेशन के टाइम पे, तो जब ये नंबर आपको दिखाई दे रहा है तो आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं कि आपकी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। फ्रेंड्स, मैनिफेस्ट करना मतलब बोलना नहीं होता कि ये चीज़ हो जाए, उसे फील करना होता है कि ये चीज़ हो चुकी है या ये चीज़ हो रही है।
जो भी चीज़ जो आप चाहते हैं। फ्रेंड्स, डोंट अंडर एस्टिमेट योर सेल्फ दिस टाइम, क्योंकि इस टाइम पे यदि आपका थॉट प्रोसेस निगेटिव है तो निगेटिविटी मैनिफेस्ट होगी, अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिविटी मैनिफेस्ट होगी। जब ये नंबर दिख रहा है आपको तो इसका अर्थ है कि आपकी लाइफ में चीज़ें मैनिफेस्ट हो रही हैं, आपको सतर्क हो जाना है और आपको पॉजिटिव रहना है। आप जो चाहते हैं अगर आप उसे मैनिफेस्ट करते हैं और उस क्षेत्र में एक्शन भी लेते हैं तो आपको वो चीज़ दो गुना तीन गुना होके मिलेगी। फ्रेंड्स, जब एंजल नंबर 369 की बात हो तो निकोला टेस्ला का नाम ज़रूर लिया जाता है, क्योंकि उन्होंने इस नंबर के बारे में पूरी दुनिया को बताया कि किस तरीके से ये नंबर पावरफुल है। उन्होंने इस नंबर पे अपनी रिसर्च को पूरी दुनिया के सामने रखा। वो कहते हैं कि यूनिवर्स की हर एक चीज़ इन नंबर से किसी न किसी तरह कनेक्टेड है। इस बारे में तमाम वीडियो है फ्रेंड्स कि उनके क्या थॉट्स हैं, क्या उनकी रिसर्च है, आप जाकर यूट्यूब पे देख सकते हैं। डालिए 369 निकोला टेस्ला, बहुत सारे वीडियो खुल के आ जाएंगे। फ्रेंड्स, इस नंबर के बारे में ट्विन जर्नी में मेरे एक्सपीरियंस और मेरे गार्जियन एंजल की हेल्प से इसके बारे में मैंने जो भी फील किया वो मैंने आपको बताया। इसी के साथ फ्रेंड्स वीडियो को ख़त्म करती हूँ। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। फ्रेंड्स, मिलती हूँ मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में।